श्रृंखलित करने को बड़ निष्पत्ति एथर व्यवस्था करतेक पर स्थिर होथर होबनी नवजौवन दर्शन पहंडी दर्शन लगी टिकेट मिलना पटी दियंठू विजय हे आज्ञामा रथजात्र अपराह पांचटे रथ टणा होष्पत्ति से श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक में निष्पत्ति आज बैठक में रथजात्रा परिचालना नहीं एभली अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति 53 वर्ष पर एक विरल संजोग पड़ी तेणु भिड़ कम सहित रथजात्रा प्रक्रिया को सुरखुरी से सारे लगी स्थिर होथर सर्वसाधारण लगी नवजौवन दर्शन बंद रही श्रीमंदिर भितर पहंडी दर्शन करने लगी एथर टिकेट बिक्री होथर आज्ञामा रत्न सिंहासन नुहे पटीदीय पाखु रथ खड़ा को आसब 15 तारीख में बाहुड़ा जात्रा अनुषित होबु पर ठाकुर मैंने रथ पर विश्राम करेंगे 17 तारीख में हो सुना बेश ए वर्ष क्षय जो गोटे दिन में रथजात्रा नवजौवन दर्शन नेत्रोत्सव पड़ुव समस्त नीतिकांति अपराह पांचटे रथ टणा हो राति 2 मंगल आलती 2:40 दशावतार ठाकुरों बाहुड़ा विजे राति 3 अणस्तर ताटी फिट से हीपरी भोर 4 रही नेत्रोत्सव रही बंदापना भोर 4:45 अन्यान्य नीति दईतापति सर्वांग सका 5:25 द्वारपाल पूजा नीति संपन्न होपरि सका 6-7 मध्य गोपाल बल्लभ सका धूप सका 7:30 मध्यान 12 मध्य सेनापटा लगी हुई अपराह गोटाए 10 मिनिट्रे पहंडी आरंभ हो अपराह 2:30 सुधा पहंडी सारी अपराह 4 छेड़ा पहरा अपराह 4:30 द्वारपिटा घोड़ा जोचपर अपराह 5 रथ टणा हो बैठक में निष्पत्ति परिचालना कमिटी रो बैठक होता से आपण माने जानी महाप्रभु को विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आसी तो से ही रथयात्रा रे नीति निर्घंटा उपरे डिस्कशन होता गत काली आमर 36 नियोग और नीति सब कमिटी से ही नीति निर्घंटा को अनुमोदन करते आज से ही नीति निर्घंटा उपरे डिस्कशन हैला और परिचालना कमिटी ताको अनुमोदन करी छे तो यदि ताको आशीर्वाद हैला आम 5 बेले रथ टणार चेष्टा करूछु केवल परिचालना कमिटी थिला रथर नीति निर्घंटा एवं व्यवस्थावली उपरे अनुमोदन पई एटा महाप्रभु को उपर निर्भर करे आम तो नीति निर्घन करूछु ये सीए ही होउछंती सर्वशक्तिमान किंतु गत थर आप देखु गत थर जहाँ नीति होता एथर गुंडीचा एवं जो नवजौवन दर्शन गोटे दिन रोचे से दिन एथर सर्वसाधारण दर्शन पूरा टोटाली मंदिर भितर को छड़ा जब ना तो श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक शेष होने गुड़े गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति कौन कौन सब निष्पत्ति आम सहित सीनियर करेस्पोंडेंट अक्षय मिश्र अच्छा फोनलाइन में अक्षय जिते आप देखते रथयात्रा व्यवस्थावली नीति निर्घंट को तो अनुमोदन करमिटी नवजौवन दर्शन बंद करने को निष्पत्ति आउ कौन कौन सब गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति देखु गत काली सत्यानुजोग बैठक बसला रथयात्रार नीति निर्घंट सहित व्यवस्थावली को अनुमोदन बैठक होता से नीति निर्घंट को लेकिन आज चूड़ा मोहर मारी श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक गजपति महाराज अध्यक्षतार होता बैठक में अति गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति अर्थात जेहेतु 6 दिन रथ आज्ञामा नीति रही तेणु महाप्रभुंकर जेहेतु अणसर नीति रे नीति सरी नथिबो अर्थात ता परदिन नीति सरिबो नवजन दर्शन नीति सरिबो तेणु ता पूर्व दिन जेहेतु आज्ञामा विजय नीति अछि सेतिपे पट्टी दियंक थरु आज्ञामा विजय बोली एहा स्पष्ट होइछि कारण 1971 मसिहारे एभली एक संयोग पड़ा एवं सेइथिरे मध्य आज्ञामा पट्टी दियंक थरु विजय कारण पट्टी दियंक थरु आणिबा जहा महाप्रभुंकर श्रीविग्रह पाखु आणिबा बदल से समान बोली पूजापणा निजोग कहिथिले तेणु से अनुसार आज्ञामा विजय कराइबो सेतिपे सका 8:30-8:30 भितर आज्ञामा विजय हे रथ खड़ा को रथर तीन रथ मोड़ प्राजी सिंहधर चपरा को विजय करदिन जुलाई 7 नवजौवन नेत्रोत्सव सिंहजी यात्रा कितु चलित वर्ष जेहतु नीति बहुत रही नीति को सारे पड़ो से गोटे पटे पहंडी दर्शन टिकेट बिक्री होना नवजौवन दर्शन भक्त मैंने करेंगे ना एक कठोर निष्पत्ति नहीं श्रीमंदिर प्रशासन कारण यह द्वारा नीति सहल हो पार बोली श्रीमंदिर प्रशासन आशा रखी कारण एथर जो रथयात्रा नीति रही अर्थात रात 2:00
सात तारीख दिन रात दुईटू मंगल आरती हम और रात दुईटा चालीस दशवतर बाहुड़ा पिटी बाहुड़ा विजय नीति हम तापर तीन टे ताकि पिटो अर्थात जलस ताकि पिटो नेत्रोत्सव बंदापना सकाल चारटार हम और महाप्रभु खेचिड़ी भोग सका धूप प्राय सका छटा सतटा भितर तापर सेनापटा लगे कह सतटू बारटा भितर रथ प्रतिष्ठा तापर मंगलार्पण हो पहंडी आरंभ हो दिन गोटाए और दिन दुईटा सुधा पहंडी सर नीतिकांति अनुसार एथर महाप्रभु रथयात्रा हेबो निश्चित भाव देखो उन्नीस एकस्तरी मसीह अर्थात तेपन वर्ष पर जो नीतिकांति पड़ी से अनुसार देखा गले रात दुईटू द्वार मंगल आदि नीति कर संपूर्ण भाव सका दिन बारटा सुधा महाप्रभु सेनापटा लगे सर रथर पहंडी महाप्रभु पहंडी हम पहंडी दिन दुईटा सुधा सर और छेरापहना दिन चारटा सर और जो रथरणा हो प्राय अपराह्न पांचटा हो जाए रथरणा को लेकिन कहना जो भाव नीति बहुत रही जहां जयदेव सेवक मैंने कहते हैं नीति आहरी सरल करने की चेषा करते महाप्रभु इच्छा और अपराह्न पांचटा बेले तीन रथ टणा प्रथम साधु रथ टणापर देवी जल रथ शेष नंदी रथ टे टे टणा विधि अनुसार पर अर्थात जुलाई आठ तारीख दिन संपूर्ण भाव रथ टणा आउ गोटे दिन अच्छी रथयात्रा दिन नवजौवन दर्शन नेत्रोत्सव नीति पड़ू और बैठक में सेवायत प्रतिनिधि सहित पुंगानुपुंग आलोचना पर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति धन्यवाद अक्षय।